हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखें टेंसर की आज मैं एक वीडियो और लेकर के आया हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैं इनर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करूँगा। तो इनर प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट्स, देखें इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर्स। देखें स्टूडेंट्स, इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने 2 × 5 किया, ये एक नंबर मिला मेरे लिए 10। अब मैं एक्स की मल्टीप्लिकेशन 22 से करूं तो कुछ मेरे लिए क्या कर दिया जाता है, साइन रिमूव करके इस तरीके से लिख दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट आ गई। एक्स और वाई की प्रोडक्ट क्या है, एक्स वाई, इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो इसी प्रकार से दो टेंसर्स की प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा करके इस तरीके से लिख दिया जाएगा। दो टेंसर्स जैसे सपोज करिएगा ए पी क्यू बी ये है, ये प्रोडक्ट है। तो इसकी प्रोडक्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, ये रिप्रेजेंट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये कंट्रावेरिएंट सफिक्स हैं और इसका कंट्रावेरिएंट सफिक्स ये है, कोवेरिएंट सफिक्स ये है, इसमें कोवेरिएंट सफिक्स नहीं है। तो हमारे पास में यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, सारे सफिक्स जो हैं वो डिफरेंट हैं मल्टीप्लीकेशन में। अगर स्टूडेंट्स मैं क्या कर दूं कि कोई भी एक वेक्टर का कंट्रावेरिएंट सफिक्स दूसरे वेक्टर के कोवेरिएंट सफिक्स से इक्वल पुट कर दूं, फिर से बोल देता हूं इस बात के लिए, एक वेक्टर का कंट्रावेरिएंट सफिक्स दूसरे वेक्टर का कोवेरिएंट सफिक्स अगर इक्वल दिखाई दे जाएं, जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स p इक्वल टू सपोज कीजिए s पुट कर दिया, पुटिंग इसमें, तो a p को s पुट कर दूँ या s को p पुट कर दूँ, तो p q b r s को p पुट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे आप कि पहले वेक्टर का कंट्रावेरिएंट सफिक्स और दूसरे वेक्टर का कोवेरिएंट सफिक्स सेम है, एक से हैं। तो ये प्रोडक्ट स्टूडेंट्स जो भी आएगी वो प्रोडक्ट हमारे पास में क्या कहलाएगी, जो है वो इनर प्रोडक्ट कहलाएगी। अब स्टूडेंट्स ये भी वर्क कर सकते थे, जैसे मैंने क्या कर दिया, तो यहाँ पर मैं आपके लिए डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट सफिक्स क्या कर दी जाती हैं, इक्वल पुट कर दी जाती हैं। तो देखें द प्रोडक्ट ए सुपर आई सुपर जे बी सब जे सब पी। तो यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे आप कि इस प्रोडक्ट में एक वेक्टर जो ए टेंसर है, वेक्टर नहीं बोलेंगे स्टूडेंट्स, रॉन्ग हो गया, ए टेंसर का सुपर स्क्रिप्ट की सफिक्स दूसरे वेक्टर के सब स्क्रिप्ट की सफिक्स के युगल है। देखें जे इस जे के युगल है। तो द प्रोडक्ट ये ऑफ टू टेंसर्स किन किन की प्रोडक्ट है, ये जैसे मैंने अभी दिखाया एक्स इंटू वाई की प्रोडक्ट एक्स वाई होगी, तो ये प्रोडक्ट है ए सुपर आई सुपर जे एंड बी सब जे सब पी।
तो ये स्टूडेंट्स इन टेंसर्स की प्रोडक्ट है। तो ये क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर्स। तो स्टूडेंट्स इनर प्रोडक्ट में सिर्फ एक कंटावेरियंट सफिक्स एक टेंसर का, दूसरे टेंसर के कोवेरियंट सफिक्स के सिर्फ इक्वल ले लिया जाता है। तो हमारे पास में प्रोडक्ट करेंगे, जिस प्रकार से प्रोडक्ट जो है वो आउटर प्रोडक्ट की थी उसी प्रकार से प्रोडक्ट करेंगे और देखेंगे इसमें क्या होता है। इनर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर्स कहते हैं इसके लिए। और जो ये प्रोसेस फॉलो किया गया, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टेंसर्स इज कॉल्ड इनर मल्टीप्लीकेशन कहलाता है ये स्टूडेंट्स ऑफ टू टेंसर्स। द इनर प्रोडक्ट इज अ टेंसर, वो भी टेंसर होगी स्टूडेंट्स। बस लेकिन होगा क्या इनर प्रोडक्ट के केस में स्टूडेंट्स, ये होगा कि वो प्रोडक्ट जो हमें मिलेगी उस प्रोडक्ट की एक कंट्रावेरिएंट रैंक और दूसरी कोवेरिएंट रैंक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखें जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी, हमने कह दिया ये प्रोडक्ट सी मिली, तो सी की हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर रैंक कितनी है 2.0 एंड इसकी 0.2। तो प्रोडक्ट करने पर 2+0 0+2 मिलती थी आउटर प्रोडक्ट के केस में, ये क्या मिलती थी टाइप मिलता था टेंसर का। लेकिन इस केस में ये आउटर प्रोडक्ट के केस में, लेकिन स्टूडेंट्स इनर प्रोडक्ट के केस में एक रैंक कम हो जाएगी 1 और ये 1। तो कंटावेरिएंट रैंक भी 1 कम हो जाएगी, कोवेरिएंट रैंक भी 1 कम हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास में जो है, अगर स्टूडेंट्स एक कंटावेरिएंट वेक्टर की प्रोडक्ट दूसरे कंट्रावेरिएंट वेक्टर से करते हैं इनर प्रोडक्ट, तो स्टूडेंट्स वो इनवेरिएंट रहती है। दिखाते हैं हम आपके लिए, लेट AI and BJ BI be टू टेंसर्स। तो स्टूडेंट्स A-alpha AI निकाल करके दिखा रहा हूँ मैं आपके लिए, देखें del x alpha over del x i, और इसे लेते हैं B-alpha
बी आई डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स डैश एल्फा। ये स्टूडेंट्स जब मैंने जो है वो कंट्रावेरियंट और कोवेरियंट वेक्टर्स और टेंसर्स के लिए डिफाइन किया था उस पीरियड में एक्सप्लेन किया था, तो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियोज़ को सीरियल से देखते हुए आइएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में। कोई बीच में वीडियो लेकर के बैठ जाएंगे तो कुछ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, आपको ऐसा महसूस होगा मैंने बिल्कुल मेहनत की ही नहीं है, आपको समझाने की कोशिश ही नहीं की है, और आप कहने लगे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो प्लीज़ सीरियल वाइज वीडियो देखिएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, अब इनकी प्रोडक्ट करते हैं, ए डैश एल्फा बी डैश एल्फा इक्वल टू ए आई ए डैश एल्फा ओवर डेल एक्स आई, यहाँ देखें बी आई डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स डैश एल्फा। तो यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे आप ए सुपर आई बी सुपर जे बी सुपर आई मिला, और इससे ये कैंसिल आउट हो सकता है, इससे ये कैंसिल आउट हो सकता है। तो देख रहे हैं हम स्टूडेंट्स कि दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वैल्यू सेम रही, तो अगर स्टूडेंट्स दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वैल्यू सेम रहे तो हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास में इनर प्रोडक्ट है वो इनवेरिएंट है। तो देखें दिस शोज डैट इनर प्रोडक्ट ऑफ वन कंट्रावेरिएंट वेक्टर एंड वन कोवेरिएंट वेक्टर इज इनवेरिएंट। इसका मतलब इनवेरिएंट का मतलब यही है कि दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर चले जाएंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो वैल्यू चेंज देखिए नहीं हुई यहाँ पर। तो हम अब मैं स्टूडेंट्स एक थ्योरम शो करके दिखा रहा हूँ, देखते हैं थ्योरम क्या है। स्टूडेंट्स थ्योरम है टू शो दैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर्स, कौन कौन से टेंसर्स, ए सुपर पी सब आर एंड बी सुपर क्यू सुपर एस सब टी इज आ टेंसर इज इसकी प्रोडक्ट जो है इनर प्रोडक्ट इज अ टेंसर ऑफ रैंक थ्री। तो देखते हैं स्टूडेंट्स प्रूव करके दिखाते हैं, प्रूव में क्या है देखें, लेट इसकी और इसकी प्रोडक्ट लेट ए सुपर पी सब आर बी सुपर क्यू सुपर टी सुपर एस है स्टूडेंट्स सुपर एस सब टी लेट बी
इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर्स ए एंड देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में इनर प्रोडक्ट है इन दो टेंसर्स की, ये तो मैं इसके लिए ये दिखाना है मेरे लिए कि इनर प्रोडक्ट जो है, अब मैं यहाँ स्टूडेंट्स ए डैश आई जे बी अल्फा बीटा गामा बी डैश। तो स्टूडेंट्स देखें, इसकी और इसके लिए ये मैंने ए पी आर बी क्यू एस टी, तो देखो इसकी और इसके लिए इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो देखें किस तरीके से लिखेंगे, डैश डेल एक्स डैश आई ओवर डेल एक्स पी, कैसे लिख देते हैं स्टूडेंट्स देखिए, ए डैश आई, तो किस प्रकार से, अगर डैश लगा है और हमारे लिए क्या दी हुआ है, सुपर स्क्रिप्ट दिया है, तो सुपर स्क्रिप्ट डैश ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, और अगर ये ही स्टूडेंट्स क्या होता सब स्क्रिप्ट में होता तो क्या हो जाता, डेल एक्स ये वाला पार्ट ऊपर रहता और डेल एक्स डैश आई नीचे रहता। ये कंटावेरियंट और कोवेरियंट में मैंने क्या कर दिया, टेंसर और वेक्टर वो जब डिफाइन किया है तो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं, मैंने तो आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो देखें ये लिख दिया, अब मैं इसकी इसके लिए लिखूँगा, तो डेल एक्स आर ओवर डेल एक्स डैश जे, तो ये स्टूडेंट्स मैंने इसे और इसे यूज करके ये लिख दिया। अब देखते हैं आगे, अब मुझे क्या करना है, अब मेरे लिए इसको और इसके लिए लेकर के देखें, डेल एक्स डैश अल्फा ओवर डेल एक्स क्यू इंटू डेल एक्स डैश बीटा ओवर डेल एक्स क्या लिखूंगा एस इंटू डेल एक्स, यहाँ देखें ये कंट्रावेरियंट कोवेरियंट है, तो कोवेरियंट के केस में डैश वाले के लिए नीचे लिखेंगे डेल एक्स डैश गामा और इसे ऊपर लिखेंगे डेल एक्स टी। तो देखिए मैंने ये लिख दिया, अब स्टूडेंट्स इसके लिए इनर प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे लिए दो सफिक्सेस एक कंटावेरियंट और एक कोवेरियंट सफिक्स को यूकल लेना होगा। तो मैंने क्या कर दिया, देखो पी को और टी को यूकल पुट कर दिया, पुटिंग पी इक्वल टू टी। तो देखें स्टूडेंट्स ए डैश आई जे बी डैश अल्फा बीटा गामा इक्वल टू ए पी इक्वल टू टी, तो टी पुट कर दिया, आर बी क्यू एस टी, तो ये यहाँ पर भी पुट कर दें, पी के स्थान पर टी पुट कर दें, तो देखें एज इट इज उतारें
डेल एक्स डैश आई ओवर डेल एक्स टी पुट कर दिया जाएगा यहाँ पर। क्या पुट कर दिया? टी प्लस लग रहा है, फिर से लिख देता हूँ टी। ये स्टूडेंट्स क्या है, डेल एक्स आर ओवर डेल एक्स डैश जे, ये डेल एक्स डैश एल्फा ओवर डेल एक्स क्यू। यहाँ देखें डेल एक्स डैश बीटा ओवर डेल एक्स एस, यहाँ देखें डेल एक्स टी ओवर डेल एक्स डैश गामा। तो यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे आप लोग कि ये और ये क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो देखें ए सुपर टी सब आर, बी सुपर क्यू सुपर एस सब टी। तो क्या देखें डेल एक्स डैश आई ओवर डेल एक्स डैश आई ओवर ये, देखें क्या लिख दिया जाएगा, ये कैंसिल आउट हुए। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, डेल एक्स डैश गामा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, देखें स्टूडेंट्स अब हम इसकी इनर प्रोडक्ट करते हैं। तो ए डैश सब आई सुपर आई सब जे, बी सुपर जे सुपर एल्फा सब बीटा, ये बी है स्टूडेंट्स, ये बीटा है, इक्वल टू ए सब पी सुपर पी सब आर, बी सुपर क्यू सुपर एस सब टी। तो देखो इसको और इसको लेकर के मैं टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स डेल एक्स डैश आई ओवर डेल एक्स पी इंटू डेल एक्स आर ओवर डेल एक्स डैश जे। तो यहाँ स्टूडेंट्स ए डैश आई इक्वल टू ए एल्फा डेल एक्स डैश आई ओवर डेल एक्स एल्फा, डेल एक्स डैश सब आई ए सब एल्फा डेल एक्स एल्फा ओवर डेल एक्स डैश आई। तो ये कंट्रावेरिएंट टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कोवेरिएंट। तो देखें स्टूडेंट्स इसी प्रकार से मैंने किया है इनटू, अब मैं इसको और इसको लेकर के दिखा रहा हूँ। तो देखें यहाँ पर मैं इसे रब कर देता हूँ, ये स्टूडेंट्स डैश है, बी डेल डैश जे ओवर डेल एक्स क्यू यहाँ से लिया, और डेल एक्स डैश एल्फा ओवर डेल एक्स एस इंटू डेल एक्स, ये कंट्रावेरिएंट है तो इसे डिनोमिनेटर में लेंगे, डेल एक्स डैश बीटा और इसे कहाँ लेंगे, ऊपर लेंगे। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखें आप लोग कि कुछ कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास में इससे कुछ कैंसिल हो रहा है,
नहीं, इससे कुछ कैंसिल हो रहा नहीं, ये कैंसिल नहीं हो रहा। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, आर और ये एस, इसे देखें, कैंसिल किसी से कुछ नहीं हो रहा, इसे और इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है स्टूडेंट्स, इसे और इसे। तो आगे स्टेप लेते हैं, ए सुपर पी सब आर, बी सुपर क्यू सुपर एस सुपर टी, डेल एस डैश आई डेल एस पी। यहाँ स्टूडेंट्स देखिए, इसमें ये जब इससे कैंसिल हो गया तो क्या बचा, डेल एक्स आर ओवर डेल एक्स क्यू, ये लिख दिया। और स्टूडेंट्स देखें, डेल एक्स डैश एल्फा ओवर डेल एक्स एस डेल एक्स टी ओवर डेल एक्स डैश बीटा। इसे स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, ये क्रोनिकल डेल्टा बन गया स्टूडेंट्स। कौन सा क्रोनिकल डेल्टा बन गया, ए यहाँ देखें टी, यहाँ ये स्टूडेंट्स क्रोनिकल डेल्टा बन गया आर क्यू। क्रोनिकल डेल्टा मैंने जब डिफाइन किया है उसकी वीडियो को देख करके आप इसको समझ सकते हैं। क्या बचा, डेल एक्स डैश आई ओवर डेल एक्स पी इंटू, ये बचा डेल एक्स डैश एल्फा ओवर डेल एक्स एस डेल एक्स टी ओवर डेल एक्स डैश बीटा। यहाँ स्टूडेंट्स क्रोनिकल डेल्टा किस तरीके से डिफाइंड है, इक्वल टू वन इफ आर इज इक्वल टू क्यू, जीरो इफ आर इज नॉट इक्वल टू क्यू। तो देखें स्टूडेंट्स, मैं क्या कर देता हूं, आर इज इक्वल टू क्यू के लिए इस क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो आर के स्थान पर मैं क्या पुट कर दे रहा हूं, क्यू पुट कर दे रहा हूं। देखें ए, अब आप ऐसे इस तरीके समझ सकते हैं, यहाँ ये वैल्यू स्टूडेंट्स, ये क्रोनिकल डेल्टा स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर की तरीके से वर्क करता है, ये भी एक्सप्लेन किया था। तो सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर की तरीके से किस प्रकार से वर्क करता है, देखें मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। जैसे आर क्यू और ये है, तो स्टूडेंट्स जो डमी सफिक्स हैं उनके स्थान पर क्या आ जाता है, जो रियल सफिक्स है वो आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए पी क्यू हो जाएगा। तो देखें सिंस, चलो एक बार ब्रैकेट में इसके साथ ही क्या कर देते हैं, इसके लिए लिख देते हैं इसे और इसे अलग लिख लेते हैं, इसे एक साथ लिख लेते हैं। ये क्रोनिकल डेल्टा बना डेल डेल आर क्यू ए पी आर, ये लिख लिया और ये एज इट इज उतार दिया। तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हुई, ये हो गई डेल एक्स डैश आई ओवर डेल एक्स पी डेल एक्स डैश एल्फा डेल एक्स एस डेल एक्स टी और डेल एक्स डैश बीटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग ये देख रहे होंगे कि हमारे लिए देखें डैश वाली टर्म दो मिली, तो रैंक टू
कंटा वेरिएंट में और को वेरिएंट में रैंक डैश वाली टर्म डिनोमिनेटर में वन मिली, तो ये और इसका मैं ये टाइप मिला, और अगर मैं रैंक देखूं तो 2+1 रैंक है। तो देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी ले सकते हैं एंड डेल आर क्यू ए सुपर पी सुपर क्यू इज इक्वल टू ए सुपर पी सब आर था यहाँ पर, और ये इक्वल टू पुट कर दिया गया। तो देखें स्टूडेंट्स, this is a tensor law of transformation of rank 3। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, तो हमें ये this shows that the inner product of two tensors किसकी a super p sub r and b super q super s sub t is a tensor of rank 3। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए ये दिखा दिया कि इनर प्रोडक्ट करने पर एक कंट्रावेरिएंट रैंक कम हो जाती है और एक कोवेरिएंट रैंक कम हो गई। तो देखें, यहाँ पर हमारे पास में इनर प्रोडक्ट अगर ये नहीं होती, आउटर प्रोडक्ट होती, तो 1.1 और इसकी 2.1 से हमारे पास में 1+2 और 1+1 3.2 टाइप का टेंसर आता और रैंक हो जाती इसकी 3+2। 1 कंटा वेरिएंट में कम हो गई और 1 कोवेरिएंट में कम हो गई, तो 2 कंटा वेरिएंट में बची और 1 कोवेरिएंट में बची। तो देखें, यहाँ पर 2 कंटा वेरिएंट में बची, ये डैश वाला पार्ट बता रहा है हमारे लिए कि 2 कंटा वेरिएंट है, और ये डैश वाला पार्ट जो डिनोमिनेटर में, वो ये बता रहा है कि 1 कंटा वेरिएंट में टेंसर हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो मेरे द्वारा बनाई हुई आपको अच्छी लगी हो, आप इसको लाइक करें, आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल के लिए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।